यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सेवराय सूर्योपासना के महापर्व डाला छठ पर रविवार को अस्ताचलगामी सूर्य देव को गंगा जल व दूध से व्रती महिलाओं द्वारा अर्घ दिया गया। क्षेत्र के गांवों सहित सेवराय के प्रेमन साह के पोखरे पर डूबते सूर्य को अर्घ देने के लिए व्रती महिलाओं का रेला उमड़ पड़ा। जल में खड़े होकर महिलाओं ने 5 बार परिक्रमा कर विधि विधान से पूजन अर्चन किया। सूर्यास्त होने पर महिलाओं ने पूजन सामग्रियों को दूरी में रखकर जलते दीपक को लेकर अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान किया। सूर्योपासना के महापर्व डाला छठ पूजन के रविवार प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री व जमानिया विधानसभा के विधायक ओम प्रकाश सिंह ने अपने परिजनों के साथ अर्घ्य दिया। वहीं सोनी किन्नर ने क्षेत्र के अपने जजमानों सलामती के लिए छठ पूजा कर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। गहमर नरवा घाट पर पूर्व विधायक सुनीता सिंह ने छठ पूजा सम्पन्न की। गंगा घाटों सहित अन्य जल स्रोतों पर पहुंची व्रती महिलाओं ने विधि विधान पूर्वक भगवान भास्कर का पूजन अर्चन कर मंगल कामना की। गंगा स्नान करने के बाद महिलाओं ने सूप में पूजन सामग्री को रखकर डूबते हुए सूर्य को गंगा जल व दूध से अर्घ्य दिया। पीतल तांबा व बांस से बनी दूरी में पूजन सामग्री को रखकर व्रती महिलाएं गाजे बाजे के साथ गंगा घाटों पर पूजन करने के लिए पहुंची थी। दोपहर बाद से ही गंगा घाटों पर व्रती महिलाओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया था, जो सायंकाल तक चलता रहा। 12 में गंगा तट पर बड़ी संख्या में एकत्रित महिलाओं ने श्रद्धाभाव से भगवान भास्कर का पूजन किया। 16 श्रृंगार कर व्रती महिलाएं गन्ना सहित सूप में 5 फल नारियल व पूजन की सामग्री रख उसे पीले कपड़े से ढक कर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए गंगा तट पहुंची। गाजीपुर ब्यूरो चीफ नसीम खान की खास रिपोर्ट। मैं बोल रही हूँ रोशनी किन्नर, भदौरा ब्लॉक जमानिया बकौल को ब्लॉक की उपाध्यक्ष हिना किन्नर की चेला। ये देखा जा रहा है यहाँ पर किन्नर आपकी शादी जो है छठ पर, छठ करने का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो हमारे जितने भी मीडिया भाई हैं और जितने भी हमारे प्रशासनगण हैं तथा जितने भी हमारे कमेटी के नौजवान साथी हैं, सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ। और मेरा उद्देश्य यही है, मेरा जजमान की बच्चा जिए, उसकी हार रोजगार खुशहाली के लिए हम लोग छठ करते हैं। हमारी गुरु भी पहले करते थे मगर वह उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसके वजह से मेरे सहयोगी सोनी किन्नर ने छठ 8 साल से कर रही है। जल बोर्ड और इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हों, वो सभी लोग इतनी तन्मयता से हैं। मैं तो बिहार बॉर्डर पर भी देवल गया था, उस पर एक अलग मेला लगा था। तो ये मेला कहीं ना कहीं से विश्वास का, भरोसा का और अपनापन का बहुत पवित्र पर्व है। मैं पुनः आपके माध्यम से इस इलाके के लोगों को और खास करके सेवराई गांव का जो छठ पर्व है, ये हमको लगता है इस जनपद के और पूर्वांचल में मील का पत्थर साबित होगा। इसमें आप लोग का भी योगदान है, पत्रकार भी इसे दिखाएं कि गांव में इतनी बड़ी संख्या में लोग व्रत रह रहे हैं और कोई घटना नहीं, कोई दुर्घटना नहीं, कोई वाद विवाद नहीं, कोई कटुता नहीं, इससे बड़ा पवित्र और कुछ क्या हो सकता है। इसलिए पुनः माँ छठी को और माँ बहनों और बेटियों को बधाई और धन्यवाद और पूरा सूर्य भगवान को समर्पित करते अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।